मेरा मेन मोटिव श्रीनगर आने का ये था कि मैं अपने कंट्री को पहले एक्सप्लोर करूं, ना कि फॉरेन ट्रिप लगाकर इन चीज़ों को मिस कर दूं। तो मेरी मेन प्रायोरिटी यही है कि अपने इंडिया को देखिए, बहुत चीज़ें हैं जिनको आप मिस कर देते हैं अपनी लाइफ टाइम में। तो जब भी टाइम मिले, अपना टाइम निकालें अपनी फैमिली के साथ या अकेले, जैसे भी आपका मन हो, एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि अगर एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, आपकी वर्क का ऑफिस या लाइफ के अलावा भी एक दुनिया है जो आपके स्ट्रेस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी। और हम तो अपना स्ट्रेस यहीं छोड़कर जा रहे हैं और लेकर जा रहे हैं अच्छी मेमोरीज। ठीक, आज हम घूमने गए हुए थे श्रीनगर के लोकल साइट सीन। आज है 26 मार्च 2023 और दिन है आज रविवार का। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी टूरिस्ट जो है वो श्रीनगर की तरफ घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं मार्च के महीने में, उनको जानकारी दी जाएगी कि आज यहाँ पर कैसा वेदर था और आज यहाँ पर घूमने के लिए कितने टूरिस्ट जो है वो आए हुए थे। तो चलो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10:50 हुए हैं और हम निकल रहे हैं आज श्रीनगर के लोकल साइट सीन करने के लिए। अंदर सफाई अभियान लगे रहा है मंदिर च। केड़ा मंदिर है थे? दुर्गनाथ। जी, मौसम तो आज बढ़िया हो गया, धूप हो गई और गर्मी भी लगे कर दी है अंदर का। गड्डी देकर शीशे बंद रखने हैं। मिलेगा यू टर्न इतना भला लगा हुआ नहीं, उठे चलिए मंदिर चलिए। हाँ, उन लोकल साइट सीन घूमते हैं ना, उन सब तो पहले चलते हैं अपना शंकराचार्य मंदिर। नेहरू पार्क है जो पानी के बीच है ना, ये नेहरू पार्क है ये सामने। पोस्ट ऑफिस फ्लोटिंग। हाँ, ये देखो ये भी बोट के बीच है। हुण इत्थों ही उपर शंकराचार्य टैंपल नूं रस्ता कट होना ना, ये नेहरू पार्क है ना, तो इहनूं जाण वास्ते तुहानूं बोट च ही जाणा पैणा ना। ये इसका टाइम टेबल भी 7:30 सवेरे खुलता है, 7:30 to 4:30 तक ही है लास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सबसे पहले देखने के लिए गए शंकराचार्य टेम्पल के लिए, और जैसे ही शंकराचार्य टेम्पल की तरफ हम मुड़े तो वहीं से जो है हमें वो जाम मिलना शुरू हो गया। तस्वीरें आप लोगों के सामने है। ऊपर जगह बनेगी ताई फायदा है ना, इधर ऊपर कोई फायदा नहीं। टिफिन साइड आ पाएगा मगर यहाँ से कहाँ आएगा। हाँ, फिर वो मोड़नी, फिर लानी, फिर और जाम लगना। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है आज शंकराचार्य टेम्पल की तस्वीरें जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं शंकराचार्य टेम्पल से नीचे गाड़ियाँ आती हुई, और हमारी गाड़ियाँ जो है ये पूरी लाइन में फंस चुकी हैं। 11:38 हो चुके हैं और अभी तक भी हम जो है ये जाम में फंसे हुए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है आज 26 मार्च 2023 की तस्वीरें शंकराचार्य टेम्पल से, जो कि मैं भी आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये रोड के किनारे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं, और 11:40 हो गए हैं और अभी तक भी हम इधर जाम में ही फंसे हुए हैं। ये देखो, इतना टूरिस्ट जो है आज यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। ये देख लो, जैसे ही हम लोगों ने शंकराचार्य टेम्पल की तरफ चढ़ना शुरू किया तो वहीं से हमें जाम जो है वो मिलना शुरू हो गया। और ये तस्वीरें अभी आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त टाइम हो चुका है 11:50 और अब जाकर जो है मुझे कहीं पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह मिली है। और ये आप लोग देख सकते हैं, अभी तक भी पूरी की पूरी जो रोड है ये पूरी ब्लॉक है ये। और ये आप लोग देख सकते हैं आज का श्रीनगर का वेदर, ये आप लोग देख सकते हैं, बादल भी हैं परंतु बारिश जो है वो नहीं हो रही है, और धूप भी जो है इस वक्त जा चुकी है। इस वक्त टाइम हो चुका है 11:50 और ये देखिए, यहाँ से शंकराचार्य टेम्पल से
आप पूरी श्रीनगर जो सिटी है वो देख सकते हैं। शंकराचार्य टेम्पल देखने के लिए इतने टूरिस्टों की जो है ये भीड़ लगी हुई है, जाम ही जाम लगा हुआ है, पूरी रोड जो है ब्लॉक है। सुबह जो है एकदम अच्छी तेज़ धूप थी, 11 बजे तक जो है लगातार अच्छी तेज़ धूप थी, और दोबारा से फिर जो है वो बादल आना शुरू हो गए हैं। ये आप लोग देख सकते हैं टूरिस्ट ही टूरिस्ट है, बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट श्रीनगर में घूमने के लिए आए हुए हैं। लगभग कश्मीर पूरे का पूरा पैक है, जिस भी तरफ आप चले जाओगे उस तरफ आप लोगों को बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो भीड़ ही भीड़ जो है वो मिलने वाली है। ये आप लोग देख सकते हैं हमने शंकराचार्य टेम्पल के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं और आगे की ओर। 12:30 हो गए ना, राशी होते बड़ा रश। अच्छा लंगर लगे था ही, खाया प्रसाद खादा नहीं, दिल नहीं कीता उदा ही, काफी राशी पर पूरा भरया गया, ठीक टाइम ते आ गए। इस तो पीछे पीछे उन गड्डियां सारी खड़ी है सारी ना, जगह है नहीं साइडों दे सारे पता। ये देखो तो इत्थे उतरे ही ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦਾ ਨਾ, ਬਾਰਾਂ 38 ਪਰ ਫਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਮ 'ਚ, ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਭੀੜ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। अज उदा भी संडे है ना। अच्छा हाँ, जिदा ये लोकल बस जी है स्कूल वाली ये हो गई, फिर लोकल जेडे है बच्चे बुच्चे लेके होने ना इधर आने अज का घूमने वास्ते। क्योंकि थलो पता लगे करता कि भाई उपर जगह नहीं, तुम कह के रखे फिर जिदा उपरों लाइन खत्म हो गई, मैं देखता रहा कि उपर हूं गड्डिया कोई नहीं आया करती है, फिर मैं उपर लेके गया गड्डी। नहीं लत्ता नहीं टूटनी, पर इतों निकल भी जाना है ना, फिर मैं मोड़ के इधर ही लिया ही गड्डी ना, इन्ना कोई ज्यादा दूर थोड़ी था। हाँ तो मैं ट्रक निकले, हाँ क्योंकि उत्ते तरह लगता ही नहीं है, चल के बंदा तो निकल ही जाता है ना, तो जिदा जिदा जाम था मोड़ मोड़ के अगे चलते रहना है। सारे बंदे इधर ही जाना पैना, ये देखो ये तो इतों ही उतार के इतने मोड़ के ला लेती ना गड्डिया, ये देखो बस इतने तक ही है मेरे हिसाब नाल, अगे तो खाली आने देखो इन्हों का पूरा दिन ही लग जाना बंदे का, इतने बंगाली बाबू अच्छे ही जाएंगे सारे। फोन खत्म होया है, 1:30 बज गए देख लो, एक घंटा लग गया। हाँ नहीं हूँ पहले ट्यूलिप गार्डन ही चलीए ना, क्योंकि मेन वही है, बाकी तो फिर बाकी जगह भीड़ भाड़ हो गई तो फिर वो कोई वो नहीं है, तो पहले उत्थे ही चलते हैं, उस तो बाद फिर बाकी और जो प्लेस है वो बाद देखते हैं। इत्थे फिर जाम हो गया कि ये पता नहीं। अभी ना ट्यूलिप गार्डन देख के हाँ ते उधर जाने हैं, शालीमार या निषाद बाग वाले पास। ऊपर नहीं जाना इधर ना, नहीं जाना, वादू राशि है जाम ची फंसे रहने ना कोई फायदा नहीं, सवेर दे निकले अजे शंकराचार्य मंदिर देखे और 2 बज गए समझो, क्योंकि मेनु पता रोड भी है नहीं सही। हाँ। जेडी ओ परी महल वाली है। हाँ। गड्डी ला के ना जांदे हां, चलो कोई नहीं दल नहीं की मोटर से चल पिछा ले चल, नहीं बैग भी ले लेना, मैं बैग ला लेना, कोई खाना भी ना है कुछ तेरी बारे बाकी बोटा लंबा दा ही देख लेंगे, कितना टाइम देखांगे सोना देख, पता की दत्ता इनू वो कष्ट नहीं करना पता है वधिया, तू वेखेंगे तेन अलग ही लगेगा, टू एट न्यू ट्यूलिप गार्डन। इतना ज़्यादा जाम हमें मिला, इतना ज़्यादा आज जाम है श्रीनगर लोकल साइड सीन में,
कि शंकराचार्य से निकलने के बाद जो है अब जाकर हम ट्यूलिप गार्डन में पहुंच पाए हैं और इस वक्त टाइम हो चुका है 2:15। आज संडे होने के कारण जो है इतने ज़्यादा जो लोकल साइड सीन में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि शंकराचार्य से हम निकले थे और अभी ये 2:15 हम ट्यूलिप गार्डन में पहुंच पाए हैं। 2:15 हुए हैं और अब जाकर हम ट्यूलिप गार्डन में पहुंचे हैं और ये आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी पार्किंग जो है यहाँ पर भरी हुई है और हमें यहाँ तक पहुँचने में जो है ये इतना टाइम लग गया है। अब देखते हैं यहाँ पर टिकट लेने में और घूमने में हमारा कितना टाइम लग पाता है। गाड़ी हम लोगों ने अपनी पार्किंग में लगा दी है। 2:30 हुए हैं और हम पहुँच गए हैं ट्यूलिप गार्डन में। कितने की टिकट बनी है? 60 रुपीज़ एक का है। 60 रुपीज़ एक का है। टाइम तो नहीं है कोई? टाइम लिमिट टाइम कोई नहीं है। और क्या टाइम हुआ है अभी? तो 2:30 में हम एंटर हुए हैं ट्यूलिप गार्डन में ना। अब देखते हैं इसमें कितना टाइम हमारा घूमने में लग पाता है। चलो चलिए चलिए, टूरिस्ट ही टूरिस्ट है। ये देखिए जिस भी तरफ आप गर्दन घुमाओगे पूरा ट्यूलिप गार्डन जो है ये आज टूरिस्टों से भरा हुआ है। कितने लोग इधर आज घूमने के लिए आए हुए हैं? मेरे हिसाब से तो लाखों ही होंगे। बहुत ज़्यादा है ना आज? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो संडे है, संडे है और वैसे भी दूसरा भी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। मेन प्रायोरिटी लिस्ट में है ना ये ट्यूलिप गार्डन, तो वर्ल्ड फेमस है। तो हम 12:30 से हम निकले थे शंकराचार्य टेम्पल से और 2:30 के आसपास यहाँ पहुँचे हैं। इतना टाइम हमारा लग गया, इतने टूरिस्ट हैं और दूसरा संडे है। वैदर कितना था आज? वैदर हवा तो ठंडी है पर वैसे थोड़ी थोड़ी गर्मी भी है, पर अच्छा है। अच्छा मौसम है ना? अच्छा मौसम है, आपको गर्मी नहीं लगेगी। इसका भी एक फ़ायदा हुआ ना, अगर कल हम यहाँ पे आ जाते तो आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते थे बारिश में। कल हम गुलमर्ग चले गए तो वहाँ पर स्नोफॉल मिल गई, आज अगर उधर जाते तो वो भी दिन बेकार चला जाता ना। आपने अच्छा डिसीजन लिया, आप अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो। तो कल जैसे वेदर खराब था तो हम गुलमर्ग गए तो लाइव स्नोफॉल मिल गई, और आज यहाँ घूमने के लिए तो अच्छा मौसम चाहिए था। अगर यहाँ छाता लेके घूमते तो इतना मजा थोड़ी आता, इतना आज पा रहा है ना। अच्छा मौसम है आज, सभी इंजॉय कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। अच्छा मौसम है आज, बिल्कुल हर एज के बंदे के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, मस्ट विजिट है। आपकी बकेट लिस्ट में ये होना ही चाहिए, अगर आपके पास टाइम है यू मस्ट कम हेयर एंड एंजॉय द नेचर ऑफ कश्मीर। और चलना है आगे की हो गया? नहीं अभी आगे जाएंगे। हाँ तो ऊपर वो फारे तक चल के आते हैं, फाउंटेन तक जाएंगे, म्यूजिकल फाउंटेन है वो, उसको देखेंगे। आप भी आइए हमारे साथ, चलिए। ये फुहारा भी हमने देख लिया, बहुत ही अच्छा लगा है ना। ये एंड पॉइंट है, अभी भी यहाँ से ऊपर भी बाउंड्री तो इनकी बड़े दूर तक है। ये अभी बाउंड्री ऊपर तक है पर ये पब्लिक के लिए मेरे हिसाब से लास्ट पॉइंट है। हाँ ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, बाकी तो इतना बड़ा है कि आप दिन भर घूमते रहो कोई एरिया खत्म थोड़ी होता है। मनोज जी 74 एकड़ में है, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख प्लांट्स है यहाँ पे, मोर देन 60 वेराइटीज ऑफ ट्यूलिप, तो बहुत बड़ा है। हाँ ये है कि हाँ नेचर लवर के लिए तो पैराडाइज है। तो आपको मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, क्वालिटी टाइम है विद माई वाइफ, तो अच्छा है। और आप जैसे गाइड कर रहे हो दैट इज़ द मोस्ट बेस्ट थिंग फॉर अस। चलो ठीक है, अभी आगे हमने और भी गार्डन देखने हैं ना, आगे भी देखने हैं। तो 10-15 मिनट और घूम के फिर आगे, उसके बाद हम चलते हैं आगे शालीमार। हाँ आगे निकलते हैं। अरे वाह कितने सुंदर लग रहे हैं।
बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा जो प्लान है वो है हम निशात बाग जाएंगे, चश्मे शाही जाएंगे, हरी महल जाएंगे। तो जिस हिसाब से मनोज जी इसको मैनेज करेंगे जैसे पहले किया है। पूरे 4 बजे का टाइम हो चुका है और हम लोगों ने ट्यूलिप गार्डन घूम लिया है और अब हम जा रहे हैं और आगे की ओर। तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोगों ने देखा कि आज श्रीनगर में, कश्मीर में, आज ट्यूलिप गार्डन में इतने ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट घूमने के लिए आए हुए थे। टूरिस्टों के साथ साथ जो है आज लोकल लोग भी जो अपने बच्चों को लेकर जो है यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे। संडे होने की वजह से जो है जो लोकल लोग हैं वो भी अपनी फैमिली बच्चों को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा ट्यूलिप गार्डन में घूमने के लिए आए हुए थे। इस वक्त 4:10 हुए हैं और हम ट्यूलिप गार्डन से बाहर आ चुके हैं। जा रहे हैं हम घूमकर जो है अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं और पार्किंग अभी तक भी पूरी पार्किंग फुल है। और ये बाहर निकलने का आउट गेट है ये, तो हम बिल्कुल आउट गेट के पास ही लगाकर गाड़ी अपनी गए थे ताकि हमें वापसी में निकलने के लिए जो है वो आसानी हो जाए। चलें चलें जी चलें। देख लो भीड़ अभी तक भी कितनी भीड़ है, अभी भी बहुत ज़्यादा, और अभी भी टूरिस्ट आ रहे हैं। हाँ अभी भी टूरिस्ट आ रहे हैं अभी, देख लो शाम। चलो चलिए आगे चलते हैं दूसरे गार्डन की ओर। संडे का चक्कर बन गया ना ज़्यादा, करके तो इतना नहीं। देखो ये भी पार्किंग है, हाँ ये भी पार्किंग है। ये खड़े हुए ना ट्रैफिक वाले जबरदस्त, 4-5 बंदे खड़े हुए थे ना। वाह कितनी देखो रोड के ऊपर अजय भी वो है पब्लिक। श्रीनगर बसे का है ना हूँ, जिदा ही अगे चलते चलते अं चले जाइए अं दोबारा डल गेट से आ जाते हैं। दोबारा पूरा राउंड है ना इसका। अच्छा ये उधर ले पास इधर नो है। हाँ पूरा वो ओल्ड हो गया ना वो, तो बस पूरा इस दे नाल 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 पूरा श्रीनगर इस दे नाल ही है। देख लो कितनी ट्रैफिक है जे रोड के ऊपर, ये पूरी लाइन है। चार बजकर 20 मिनट हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं निशांत बाग में, ये आप लोग देख सकते हैं। पूरे 5 बज चुके हैं और हम लोगों ने निशांत बाग घूम लिया है और अब हम जा रहे हैं आगे शालीमार बाग की ओर। तो देखते हैं वहां पर अब कितना टाइम हमारा घूमने में लग पाता है। गड़ियां हाँ इधर भीड़ निशांत बाग अगला है हूँ शालीमार। 5:15 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं शालीमार बाग में। अब देखते हैं यहाँ पर भी भीड़ जो है वो बहुत ही कम लग रही है, तो यहाँ पर कितना टाइम हमारा घूमने में लग पाता है। फिर हम बढ़ेंगे यहाँ से और आगे की ओर। टिकट काउंटर ही है इधर, उतर जाऊँ ये टिकट काउंटर ना 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 मैं तो नहीं आना, इतने पार्किंग की दिक्कत आनी ना, पता नहीं कितने लाने पड़ने अगे नहीं आना ना। फिर तुम इतने ही खड़े हो गए, फोन करियो ना। 5:50 हुए हैं और हम लोगों ने शालीमार बाग भी घूम लिया है। चलो जी शालीमार बाग भी हो गया। जब तक ट्यूलिप गार्डन खुला है ना तब तक बाकी बड़ा बहुत फर्क है इन्हां नूं काम करना। मैं क्या मतलब कह लो कि 20% क्राउड है ट्यूलिप गार्डन दे मुकाबले। देखो खाली है, पार्किंग भी खाली है,
ਉਹ ਟਿਕਟ ਚ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀ ਕਿ ਬਗਦੜ ਬਸ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਤਾਲੀ ਮਾਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰੀ ਮਹਿਲ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਟਿਊਲਿਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੀ ਮਾਰ ਪਰੀ ਮਹਿਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ये बजकर 30 मिनट हुए हैं और हम घूमकर जो है वापस अपने होटल में आ चुके हैं और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9418007673 ठीक है दोस्तों फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही फिर मिलता हूँ कल और मैं किसी स्पोर्ट के साथ तब तक जय हिंद जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश जय भारत।